नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवरेस्ट रिलेटेड। और मैं ट्रिप पे हूँ और तो सोचा एक छोटा सा वीडियो बना दे जिसमें सब कुछ कवर हो, भी हो जाए, कोई ढंग का टॉपिक भी हो जाए और आज का वीडियो भी हो जाए। तो ये देखो, अभी जो गाड़ी जो है रियल टाइम अभी स्विफ्ट डिज़ायर में है और ये पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी है। और चढ़ाई पे देखो, अभी इस वक्त हम ठीक चढ़ाई पे हैं और यहाँ पे आप अगर माइलेज देखेंगे तो आपको दिख रहा है समथिंग क्लोज टू 25.8 km/h। ऐसी जो चीज़ है, आपको चढ़ाई में आमतौर पर ऐसा माइलेज देखने को नहीं मिलेगा। हम लोग 4 जन हैं गाड़ी में और इस वक्त गाड़ी की स्पीड भी 70 के आसपास है, तो ये माइलेज कैसे अचीव कर सकते हैं? कई लोगों ने कहा है कि ज़्यादा माइलेज कैसे अचीव करें वगैरह। प्रैक्टिकली मैं कई ऐसे टिप्स बता चुका हूँ आपको, एक ऑलरेडी माइलेज कैसे बढ़ाएं वो टिप भी बता चुका हूँ। ये देखिए, जो ओवरऑल माइलेज जो हमें मिला है पिछले 100 किलोमीटर से, वो 24 के आसपास है और टैंक रेंज जो है वो 565 किलोमीटर की है। तो ये कैसे प्राप्त करना है? बड़ा सिंपल तरीका है। जब भी आपको, एक तो एक्सेलेटर पे लाइट बने रहें, गाड़ी की स्पीड जो है वो 75, 80 और 85 के बीच में ही रखें, और ये मोस्ट ऑफ द गाड़ी के लिए काम करता है। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी छोटे इंजन की है जैसे 800 cc वगैरह की, तो और कम रखें। अभी मैं क्या करता हूँ, जब भी गाड़ी जो है थोड़ी सी चढ़ाई पे होती है तो अपने एक्सेलेटर पेडल पे थोड़ा और उसे लूज कर देता हूँ, यानी पाँव थोड़ा सा ऊपर उठा लेता हूँ, और जब भी ढलान पे होती है तब थोड़ा सा मैं मोमेंटम गेन कर लेता हूँ। अभी जब फ्लैट रोड होती है तब एकदम से इतना ही प्रेशर डालूंगा एक्सेलेटर पे कि गाड़ी जो है ना तो स्पीड कम हो उसकी, ना ही उसकी ज़्यादा हो, तो आपको ऐसा माइलेज अचीव करने को मिल जाएगा। इस ट्रिप पे हमने, इससे पहले जब हम लोग ऑलमोस्ट उदयपुर पहुंच रहे थे, जब जयपुर से उस वक्त पूरे एक 600 किलोमीटर के सफ़र में हम लोगों ने 23 point something km/h माइलेज अचीव किया था, जो कि कंपनी क्लेम फिगर से ज़्यादा है। ये 2016 का मॉडल है स्विफ्ट, यानी कि जो नई वाली डिज़ायर है वो नहीं है, ये पुरानी वाली स्विफ्ट डिज़ायर है। और इसका पेट्रोल जो है, इंजन जो है वो 22 km/h माइलेज क्लेम करती थी कंपनी, और उससे ज़्यादा निकल गया है। तो हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है ऐसा, और डीजल के लिए तो ये और ज़्यादा हो सकता है, पेट्रोल के लिए जब इतना निकल रहा है तो बस यही है इस वीडियो में। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए और उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी वीडियो से। ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं कर पाएंगे, ऑलरेडी मैं काफ़ी सारे टिप्स दे चुका हूँ माइलेज से रिलेटेड, आपको वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक कर दूंगा। फिलहाल के लिए ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और अगली वीडियो तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।